हो गया हो गया हो गया, अब इसको ट्रेन कर दो। काफी दिनों से ट्रेन नहीं हुआ ना, हो गया ना, खुल गया, हो गया। चलो इसको पानी जब कम होगा ना, पेस्ट के अंदर तुम ना चले जाना। वो मुझे पता है, सब पता है अभी क्या होने वाला है। अभी दोस्तों हम पता है क्या करने वाले हैं, हमने आपको बताया था कि हमने फाउंटेन को बनाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे फाउंटेन के साथ बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं। हमने शुरुआत इस फाउंटेन से की थी, फिर हमने ना एक्वेरियम बनवा लिया नीचे, उधर नीचे भी मछली हैं और यहाँ पर भी हम मछली रखेंगे। लेकिन हमने ना ये सोचा है कि ये जो टाइलें हैं, ओए ऐसे तोड़नी है। हाँ, ये टाइलें हमने तोड़नी है दोस्तों, क्योंकि टाइलें हमें पसंद नहीं आ रही थी यार। हम जब मछलियां छोड़ते थे ना, ऐसे लगता था जैसे ना किसी वॉशरूम में ना मछलियां छोड़ दी, ऐसे फील होती थी। और वो गंदा भी जल्दी हो जाता था और लाइनें ऐसे बीच में थी, वो फील नहीं। और ये मशवरा तुम्हारा था, मेरा नहीं था। तुम कहते कि टाइलें लगवाओ तुराब और जल्दी सफाई हो जाया करेगी, ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वैसे मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती थी, जब टाइलें नहीं थी ना बहुत ज्यादा टाइम लगता था, 3-3 घंटे भी हमें लग जाते थे इसकी सफाई करने में। लेकिन टाइलों से फिर ये मसला हुआ कि खूबसूरती नहीं रही, वो वाली नेचुरल फील नहीं आई। सितेन एक मिनट यार, पहले ड्रेन होने दो सारे को, नहीं तो ड्रेन में ना ये पत्थर फंस जाएंगे, फिर मसला होगा। अभी नहीं करो ना। सब मुर्गियों ने ना यार आदत बना ली है यहाँ पर आने की, यहाँ पर क्योंकि छांव है ना, इस वजह से इनकी आदत होगी, नहीं तो पहले यहाँ पर घूम रही होती थी। अब एक भी नहीं है यहाँ पर, सारे के सारे दोपहर के टाइम ना यहाँ पर बैठे हुए हैं सुकून से। देखो पानी छानी रखा हुआ है, हाँ हाँ, उनसे पानी पीती हैं, दाना खाती हैं, बैठ जाती हैं, ऐसा ही है। और हमारी चीले वो यार इधर है, छुपी हुई है। वो जो डरपोक चील थी ना, वो यहाँ पर है, पी रही थी यार, डरा दिया उस बेचारे को। ये यहाँ यहाँ छुपी हुई है, ठीक है। और दूसरी वाली पुरानी वाली हमारी वो वहाँ पर ही बैठी है जहाँ पर पहले बैठते थे। ये बैठी हुई है हमारी दूसरी वाली, ठीक है ठीक है, रिलैक्स है यार यहाँ पर तो आप, ठीक है। नीचे नुकसान भी कर सकती थी और यहाँ पर चलो बाकी परिंदों के साथ खुश रहेंगे। तो यार यहाँ पर ना हमारे पत्ते वत्ते ना होना लग गए। ये देखें, एक लकड़ी सी थी, एक छोटी सी, ये यहाँ तक पहुंच गई है और पौधे मतलब सही ग्रोथ कर रहे हैं। तुराब भाई का है, मैं ये हूँ। हाँ, दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा। अंदर आओ और बताओ कि अब क्या सिचुएशन है, अब क्या करना है आगे, कि क्या प्लानिंग है। देखो सकते हैं, देखो देखो। हाँ, ये माशाल्लाह ग्रोथ देख रहा हूँ। हाँ देख, जब देख रहा हूँ। फुल कवर हो जाएगा ना, फिर हम अगर परिंदे डालेंगे कितना प्यारे लगेंगे, कितना फुल कवर तो होने वाला है, बस कुछ दिनों तक हो जाएगा। थोड़ा सा रहता है और ये देखो यहाँ तक, ये तो काफी है भाई, तुम देखना है हफ्ते के अंदर अंदर ना फुल कवर हो जाएगा। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है यार इसकी। अच्छा कवर हो गया, फिर आगे क्या करना है? फिर इंशाल्लाह छत लग जाएगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर इंशाल्लाह पौधे नहीं परिंदे आ जाएंगे। पौधों से निकलो आगे, अब बस कर दो। नहीं नहीं, बस ये कवर हो जाएगा, अब तसल्ली हो गया भाई। ये देखो अंगूर की बेल भी हो रही है, सही है सही है, हो रहे हैं। चलो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे ना यहाँ पर परिंदे आने वाले हैं प्यारे प्यारे। अभी ना हमने अपनी चील को नहलाया था, देखे धूप कैसे सेक रही है ये, आराम से एक ही पोज में बैठे, जैसे कोई तस्वीर नहीं खिंचवा रहा होता। ये देखे ऐसे करके बैठी है काफी टाइम से, मैं देख रहा हूँ इसको। पिक्चर्स ले लो वैसे सत्यन। बस ये पिक्चर ले ली है मैंने। बहुत अच्छी पिक्चर्स आ गई, अब तो रिलैक्स हो सकती हो। तो अभी तुराब ना फाउंटेन के अंदर घुस गया और इसकी ना सफाई कर रहा है, और इससे तुराब मुझे पुरानी फीलिंग्स याद आ रही हैं, जैसे हम मछलियां होती थी निकालते थे, फिर इसको साफ करते थे, फिर मछलियां वापस डालते थे। वो दिन यार दोबारा करते हैं यार, मतलब ये टाइलें तोड़ो, सारी की सारी टाइलें निकालते हैं हम। देखें यार ये लाइनें देख रहे हैं कितना बुरी लग रही हैं, फाउंटेन की लुक खराब करें, इसलिए ना हम ये निकाल रहे हैं। लगाने का सिर्फ ये मकसद था कि हम सफाई कर सकें इजीली, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सफाई अच्छी होती थी और तो कुछ अच्छा नहीं लगा। मछलियां भी इसे हमारी मरी थी इसमें, पता है उसमें नहीं मरती थी। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा ऐसे। यार काफी ज्यादा जोर लग रहा है सितेन, ध्यान यार तोड़ दी ना। तो यार मैं ना बड़े वाले हथौड़े और छेनी वगैरह लेके आया हूँ, इससे तो आप काम हो जाएगा। ये तुम बहुत यार टाइम लगा रहे थे। और क्या, हट जाओ, इसको बहुत भारी है ये, ये देख रहे हो, एक दो दो लेके आ गए। तो मैं भी तो करूंगा ना साथ साथ, ये छेनी भी है, इससे काम जल्दी हो जाएगा ना हमारा, इसलिए। हाँ अब देखो कैसे हो रहा है काम। हाँ यार कितना आसानी से हो रहा है ये, ये ये सब है। हाँ सही है भाई, ऐसे पहले मैंने तुम्हें यही बात की थी कि छेड़ी हथौड़ा सही रहेगा, तुमने ये गलत किया है जो कह रहे ऐसे हो जाएगा। चलो अब जो भी अभी हो जाएगा ना इकट्ठे करते हैं, मिलकर करते हैं। भाई ये तो करता रहे काम, भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ बहुत ज्यादा।
भाई मुझे चक्कर आने लगे, तो आप तुम भी आ जाओ नीचे, हाँ पानी छानी पीते फिर बाद में आएंगे। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है भाई। हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ। चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। अब शाम तक तुम दोनों ना यहीं पे रुको, आने शुरू हो जाते मैं भी नहाने लगा हूँ भाई, इतना काम किया ऊपर ना, थक गया हूँ बहुत ज्यादा, अब मैं नहाऊंगा। गर्मी है, इनको भी गर्मी लग रही होगी। हमारा शेरू, उनका हमारा टाइगर और हमारा टाइगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहला दो यार इनको। बस हो गया, पाँव धोने दो यार। मजा आया? वो क्या हुआ, क्या हुआ? हमें तो मजा आ रहा है भाई, बहुत एंजॉय है भाई, यही यकीन कर आप फील कर सकते हैं बस। कैमरा गया, आओ भी मकाओ, अखरोट खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फौरन से पहले आ जाते हैं यहाँ पर स्टैंड पर, वैसे स्टैंड पर ये नहीं बैठते, जब हम खाना डालते हैं ना फौरन आके बैठ जाते हैं। ये लो अखरोट, तुम भी, तुम कैसे खाओगे, चलो खुद ही तोड़ के खाओ भाई, जल्दी से अंडे बच्चे दे दो यार हमने। ओ भाई साहब, बहुत जोर लगाया इसने, जैसे अखरोट नहीं तोड़ता उतना, उससे भी ज्यादा जोर लगा दिया इसने। लेकिन इतना मुझे पता है, अगर बकरों को मैं हाथ लगाऊंगा ना खाना खाते वक्त, ये कुछ नहीं कहेंगे, चाहे इनके मुंह की तरफ भी चला जाऊंगा ना, ये कुछ भी नहीं कहेंगे, बहुत शरीफ होते हैं। ये देखें काट रहे हैं मुझे, लेकिन जोर नहीं लगा रहे अच्छे, ओ भाई अच्छा। तो यार मुझे तो लगता है भाई काफी ज्यादा काम हो गया होगा इनका, हो गया तकरीबन सारा। मैं दो बंदे कर रहे हैं ना, इस वजह से जल्दी हो गया, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता। तो अब मेरी हेल्प की जरूरत है बस, जलवा के जाओ ना तुम। हाँ बस अंदर डालते हैं, तो तुरा क्या हुआ, खून आ जाता है यार, खून हाँ धारें लग जाती हैं इसकी, कोई बात नहीं, डबल मेहनत हो गई यार, सफाई करो यार, खून आ जाता है, क्या बात है यार, मैं ही करता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं लेके आ गए सिपहन? नहीं यार इनको भूख लगी होगी, चलो इनको दे दो, इसको यहाँ पर डाल दो, डरती है ये, खाती रहेगी, ये हमारी यार नई वाली चील है, ये बहुत ज्यादा डरती है हमसे। मिनी जू में ऐसे ही करती थी, छत पर भी ऐसे ही कर रही है, हमने ना इसकी बोटी यहाँ पर डाल दी है, ये आराम से खाएगी, हम पीछे हो जाएंगे ना, ये खुद ब खुद आएगी। सिपहन इधर हो जाओ जरा, इसको देखते हैं आती है या नहीं आती, मुर्गियाँ आ जाएंगी, जल्दी खा लो बस, वो चली गई सिपहन, जाओ यार यहाँ से। ये ईगल के लिए यार, जो हमारा पुराना वाला ईगल नहीं था जिसने हमारे मोर का बच्चा खाया, यार जब से इसने मोर का बच्चा खाया ना, उस टाइम से मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये अजीब लगता है। अब ये लो, चलो खा लो, ये लो शाबाश, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आ जाओ ईगल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो ये यहाँ पर डाल रहा हूँ, आ जाओ खा लो। मैंने ईगल को गोश्त डाल दिया दोस्तों, अभी आराम से खाता रहेगा, दरवाजा कर देते हैं बंद, नहीं तो मुर्गियाँ आएंगी ना इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, इसका सारा का सारा खाना ले जाएंगी, तो अभी फिलहाल ये ऐसे ही बंद रहेगा, जब खाना खा लेगा मैं दरवाज़ा खोल लूँगा फिर से। डालो डालो सिटन, डालो डालो शाबाश, वो भी दाना डाल दिया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार, एक साथ जब खाते हैं ना ये सब मिलके बहुत क्यूट लगते हैं, देखो बस काफ़ी है, बहुत डाल दिया यार सिटन, काफ़ी है, चलो शाबाश। ओहो चले यार नवीद भाई, आप ना होते ना हमसे काम ना होता, हमने ऐसे कोई ना कोई, नवीद भाई बेहोश हो जाना था आज, क्योंकि काफी गर्मी थी और काफी ये मुश्किल वाला काम था, जोर लगता था ना, तो अब ये थोड़ा सा काम रहता था, नवीद भाई ने भी कंप्लीट किया, साथ में मैं भी था, शुरू में मैंने और सिपहन ने किया, उसके बाद ये वाली सफाई अब नवीद भाई ने की है, और इसको नवीद भाई उठाएं और इसको ना बाहर फेंक दें, लास्ट है ना, और तो कुछ नहीं निकलेगा ना, बस काफी है, हो गया सफाई। यार हमारा फाउंटेन फिर से उसी हालत में इंशाल्लाह आ जाएगा जैसे पहले होता था, टाइलें हमने सारी तोड़वा दी हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, बल्कि कल से ही, कल यहाँ पर प्लस्तर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं और सिपहन यहाँ पर कलर करेंगे, पौधे लगाएंगे, और फिर हम लेकर आएंगे मछलियाँ, हमारा फाउंटेन फिर से आबाद हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा यार, पहले मछलियाँ होती थी बहुत अच्छी फीलिंग्स आती थी, अब भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। ओए यार काफ़ी भारी है, ऐश फियोन आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आ चुका है, शाम हो गई है, आ जाओ शाबाश। ओह ओए क्यों यार, ये रस्सी की के नहीं खोली थी क्या सिपहन को, बस चलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो,
शाबाश, पियो पानी। यार अब ऐश और फियोना को ना हम वहाँ पर बांध देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अंदर गर्मी होती है तो वहाँ पर ही बांधते हैं हम इनको। तो पानी पी लेंगे, जो ही पानी पी लेंगे हम वापस उधर बंद कर देंगे। ऐश ने बाज नहीं आना यार, देख रहे हैं ये जो हमारी गोल्डन बफ्ट खड़ी हुई है ना, ये बहुत ही शातिर नज़रों से देख रहा है, ये चाह रहा है कि इसको मैं पकड़ूँ। ये देखें देखें देखें, ओए होए यार इतना इसने डांट खाई हुई है ना, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहा। ये नहीं संभलने वाला भाई, ऐश नहीं संभलने वाला, इसकी तरह डांटना पड़ेगा, ये गलत कर रहा है। ऐश नो नो हट, नहीं करो गंदा। हाँ शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, तुम्हें टाइम पर खाना मिलता है उसके बावजूद तुम ये हरकतें करते हो, सारे नुकसान कर रहे हो हमारे, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिया, नुकसान पर नुकसान 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 करते हो गंदा। हमारे फियोना दोस्तों जब से आए हैं ना, ये बिल्कुल शरीफ है, आज तक इसने किसी हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाया, बिल्कुल खुश खुश रहती है यहाँ पर, हमें भी खुश रखती है, खुद भी खुश रहती है। लेकिन ये जो ऐश है ना, ये बड़ा तेज़ है, बड़ा शरारती है। तो यार रात हो चुकी है और हमारे जानवर अभी तक खाना खा रहे हैं, हमारा शेरू भी खाना खा रहा है, देखें बस थोड़ा सा रहता है इसका, शेरू ख़त्म कर लेगा फिर इसको सुबह मिलेगा, क्योंकि रात की रात इसकी कंप्लीट, फिर रेस्ट करेगा। और यहाँ पर हमारे बकरों ने खाना खा लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, या खैर ये नहीं खाएंगे। और ये नेबर्स का खड़ा हुआ है बैल हमारा, खाओ भी खाओ, जल्दी ख़त्म करो ये सारा, थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शेयर मीडिया को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। इनको दे दिया मैंने खाना, हाँ हाँ खा लिया, लाइक ही रहती है, नहीं उसको देना अभी ना, शाम दे देता हूँ, चलो उसको मैं दे देता हूँ, ठीक है ओके।